ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 75% ਆਬਾਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ ਹਰ ਕਾਲਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਪਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਕਾਲਜ IGNU ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। नंबर वन तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का सेंटर हमें मिला है जो हम कॉलेज में खोलने वाले हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है, जो बच्चे किसी वजह से अपनी एजुकेशन छोड़ गए या छोड़नी पड़ गई, या वो बच्चे जो दिन में काम करते हैं, उनके लिए एजुकेशन को इम्प्रूव करने का बहुत सुनहरी मौका होगा, जो हमारे इलाके में पहले है नहीं। देखिए, जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर से हमारी मीटिंग हुई है, उन्होंने इसको ख़ास तौर पर इसलिए सेंक्शन करा है कि यहाँ पे माइनॉरिटी के लोग बहुत हैं, माइनॉरिटी में गरीबी भी ज़्यादा है, माइनॉरिटी में दिमाग की कमी नहीं है लेकिन रिसोर्स की कमी है। उनकी इस रिसोर्स की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने हमें सेंटर दिया है। हमारे यहाँ पे वो पॉलिसी जो UK में है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। है एक इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए हमने अभी एक प्लान करा है। उसमें यह है कि हमारे पास एजुकेशन फील्ड में भी और स्पोर्ट्स फील्ड में भी तकरीबन 4 से 6 एजुकेशन फील्ड के टीचर्स और तकरीबन 3 से 4 फुटबॉल और फिटनेस कोचेस हमारे पास UK से आएंगे। एजुकेशन के लिए हमने MRBO लिमिटेड में मिस्टर पॉल एंड मिस क्रिस के साथ हमने टाई अप करा है, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमारे पास टाई अप हुआ है थिन एयर स्पोर्ट्स से, जो भी UK में बेस्ड है, मिस्टर क्रिस्टोफर कैवनाग उसके हैं, जो FIFA अप्रूव्ड कोच हैं। उसमें हमारा फोकस ये था, जैसे हमने यहाँ पे देखा है, हमारे पास यहाँ पे टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बच्चे फुटबॉल में बहुत अच्छे हैं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी उनकी पार्टिसिपेशन रही है बहुत सारे बच्चों की, तो उनको एक एडिशनल एक कोचिंग जिससे वो अपने गेम को अप कर सकें, अपने फिटनेस लेवल्स को अप कर सकें, और जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल लेवल पर और वो आगे बढ़ सकें। मलेरकोटला तो सुखा खान दी रिपोर्ट, चैनल 2।